हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं ट्रेन में सफ़र करने वाला हूं और मैं अब इस वीडियो में दिखाऊं कि अगर आपका टिकट कंफर्म ना हो तो आप ट्रेन में कितने परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो आइए मेरे वीडियो के साथ बने रहें और मैं आप ट्रेन आने वाली हूँ, मैं टिकट लेकर दिखाता हूँ। सर, टिकट दीजिए बनारस। एक एक सिंगल। पैसा मिल गया, टिकट है। देखते हैं कि जनरल का टिकट लेके एसी और स्लीपर कोच आपको दिखाऊंगा कि कोई एक्सप्रेस में आप जाते हैं तो जनरल टिकट लेके आप एसी या स्लीपर में कैसे सफ़र कर सकते हैं, क्या क्या परेशानी होती है ये भी दिखाएंगे कि आप अगर टिकट कंफर्म नहीं, सीट कंफर्म नहीं है तो क्या होता है। ये देखिए, मैं ट्रेन आ गई है और देखते हैं सबसे आगे कौन सा बोगी लगा रहता है, जनरल लगा रहता है या एसी लगाता है। जो भी बोगी लगाएगा मैं उसमें चढ़ूंगा और फिर धीरे 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 पूरे ट्रेन को आपको मैं दिखाऊंगा कि इस ट्रेन में क्या होती है। सारनाथ एक्सप्रेस है और सबसे आगे एसी लगा हुआ है, एसी फर्स्ट कोची। तो आइए अब हम ट्रेन में चढ़ते हैं, फिर देखते हैं अंदर का क्या क्या नज़ारा रहता है, क्या क्या माहौल रहता है। बंद है क्या इधर का? बंद है क्या वाला गेट? बंद है क्या? बंद तो है उधर का। मैं आते ही आपको यहाँ से डोर मिल जाएगा, फिर ये डस्टबिन है और यहाँ पे हाथ धोने के लिए बना हुआ है वॉशिंग। चलिए चलिए आगे चलिए। आप ये टॉयलेट हो गया इधर अंदर, देखिए ये ऐसे ही आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसी। फिर आगे हम अंदर ये देखिए, यहाँ पे स्टाफ जो रहते हैं उन लोगों ने यहाँ पे सोने के लिए बाहर दिया हुआ है। यहाँ पे ये आग केन है, आग उग लगती है तो इससे बुझाते हैं। गंदगी करके रखे हुए लोग, ये बैग है, इसमें ही सफ़ेद जो कपड़े होते हैं उसको रखते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से वास होने के लिए जाते हैं यहाँ से। ये देखिए देखिए, मैं ये सेकंड
अभी तक तो मुझे कोई भी स्लीपर कोच भी देखिए कितना भीड़ है, लग रहा है कि जनरल में हम लोग आके बैठ गए हैं, बैठने वाले हैं। ये देखिए इतना गंदा यहाँ पर था स्लीपर कोच में, ये देखिए बहुत लोग निकलने वाले हैं, बहुत सीआरपीएफ के सर हैं चढ़ने वाले हैं। ये स्लीपर सीट है, स्लीपर जनरल में देखिए क्या हाल होता है, जब उसमें लाइट चला दो, लाइट चालू कर दो, बोगी बढ़ाया जाए। यह स्लीपर होगी, देखिए कितना भीड़ है, पैर रखने का भी जगह नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ भी गाजीपुर स्टेशन रुकी है, ऊपर सब लोग बैग अपना रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे गाजीपुर का मशहूर लट्ठू और नमकीन बोलते हैं इसको, यहाँ पे बिकता है। चलिए चलिए इधर बुलाओ, सर लोगों को भी बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे, बहुत पुल चल रहा है सारनाथ एक्सप्रेस। ये बलिया से आए लोग, और ये भी भाई है, ये बहुत भीड़ है, स्लीपर बोगी में चल गया। आपको जनरल में दिखाते हैं कि जनरल कितना भीड़ चल रहा है। बनारस का दूरी 100 किलोमीटर, इसलिए मैं स्लीपर या टिकट में नहीं किया, जनरल टिकट ही लेके चल रहा हूँ और मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। अब देखिए स्लीपर में देख ली यहाँ क्या है, और मैं अभी उसके बाद जनरल बोगी में जाऊँगा, फिर वहाँ पे दिखाऊंगा कि वहाँ पे कितना भीड़ होता है। केला दे रही क्या, कितना रुपया? देखिए चची केला बेच 82 रुपया, बहुत ज़्यादा महंगा है केला ट्रेन में, हम लोग यहाँ 30 रुपये का दर्जन मिल जाता है, यहाँ पे ट्रेन में 50 रुपये दर्जन केला मिल रहा है। और यहाँ जब सही इतना बहुत ज़्यादा ही भीड़ है ट्रेन पे, एकदम पैर रखने का जगह नहीं है। आप देखिए अभी हम भी चढ़ेंगे, बनारस तक जाना है तो इसको ट्रेन पे चढ़ना ही पड़ेगा।
जस्ट अभी बनारस जंक्शन पे पहुँचे हैं इस ट्रेन से सारनाथ एक्सप्रेस। धीरे धीरे जो अब यहाँ से प्रयागराज जाएगी उसके बाद फिर उसके रूट होते हुए दुर्ग होते हुए लोकमान्य तिलक को जाएगी ये ट्रेन। फाइनली फ्रेंड मैं वाराणसी कैंट जंक्शन पे पहुंच गया हूं और देखिए बाहर का यहां पे प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन यहां पे देखिए। अगर बनारस आप कभी नहीं घूमे हैं तो आके एक बार ज़रूर घूमिए। तो फ्रेंड आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? आप मेरी ट्रेन जर्नी का आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद।